हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें सब्जेक्ट गाइडेंस एंड काउंसलिंग के टॉपिक मीनिंग ऑफ गाइडेंस, नीड एंड स्कोप ऑफ गाइडेंस। इसके साथ ही डिस्कस करेंगे रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर इन गाइडेंस प्रोग्राम। तो काफ़ी इजी सा टॉपिक है ये। वही बातें होंगी जो डेली लाइफ में हम देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, यानी कि कुछ ज्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं है इसमें। इसीलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत भी नहीं है, तो फटाफट से इस टॉपिक को कवर करेंगे। सो गाइडेंस यानी कि मार्गदर्शन क्या होता है? द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड गाइडेंस इज असिस्टेंस टू डायरेक्ट और टू शो द पाथ, यानी कि किसी को रास्ता दिखाना, किसी को असिस्ट करना कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, आपको क्या करना चाहिए। लोगों को लाइफ की हर स्टेज में क्या चाहिए होती है? गाइडेंस चाहिए होती है। भले हम बचपन से शुरुआत कर लें या बुढ़ापे तक जाएं, तो बचपन में भी क्या है, गाइडेंस चाहिए होती है बच्चों को अपने पेरेंट्स से कि क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ओल्ड एज में भी डॉक्टर की गाइडेंस लेते हैं या तब अपने बच्चों की गाइडेंस लेते हैं कि क्या काम करें, क्या ना करें। यानी कि लाइफ में हर वक्त आपको, या फिर कहेंगे कि हर स्टेज में कहीं ना कहीं आपको किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। So this can be defined as the help or assistance provided from the more experienced person to less experienced person. अब गाइडेंस कौन प्रोवाइड करवाएगा? वही इंसान ना जिसको उस फील्ड में पता हो, उस फील्ड के बारे में पता हो। फॉर एग्जाम्पल, हमें एडुकेशनल फील्ड से रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहिए कि कैसे अपने सब्जेक्ट में अच्छा करें, या फिर किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है या कुछ, तो उससे रिलेटेड गाइडेंस चाहिए। तो वहां पर अब हम अपने फैमिली मेंबर्स के पास तो नहीं जाएंगे ना, सबसे पहले किसके पास जाएंगे? अपने टीचर के पास जाएंगे। तो यानी गाइडेंस क्या है कि वो बंदा जो उस फील्ड में ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, उससे मदद लेना। इट कैन बी अंडरस्टूड एज अ प्रोसेस दैट हेल्प्स द इंडिविजुअल्स टू रिकॉग्नाइज देयर स्ट्रेंथ, लिमिटेशन, एबिलिटीज एंड हेल्प देम टू मूव इन प्रॉपर पाथ। तो गाइडेंस एक ऐसी प्रोसेस है जो इंसान को मदद करती है कि वो अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी लिमिटेशंस को, अपनी एबिलिटीज को पहचाने और सही रास्ते पर चल सके। इसीलिए क्या है गाइडेंस? मार्गदर्शन है कि क्या सही रास्ता है वो पता चल सके। गाइडेंस एक कैंडल की तरह है। अ कैंडल यानी कि जो बंदा गाइडेंस प्रोवाइड करवा भी रहा है वो भी क्या है, कैंडल की तरह है। अ कैंडल कैन वॉक विद अस एंड शो अस द वे, इट कैन नॉट वॉक फॉर अस। यानी कि कैंडल सिर्फ हमें रास्ता दिखा सकती है, हमारे साथ चल सकती है, लेकिन हमारे लिए नहीं चल सकती वो। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे टीचर से कुछ हम हेल्प लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, तो टीचर हमें गाइड कर सकते हैं। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हमारी जगह वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमें तरक्की करनी है, हमें खुद के लिए कुछ करना है, तो वो काम हमें ही करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अ कैंडल कैन वॉक विद अस एंड शो अस द वे, इट कैन नॉट वॉक फॉर अस। सो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको गाइडेंस का मीनिंग क्लियर हो गया हो। बहुत से लोगों ने डेफिनेशंस दी हैं गाइडेंस की, तो हम बात करेंगे एजे जोन्स की डेफिनेशन। गाइडेंस इज एन असिस्टेंस गिवन टू एन इंडिविजुअल इन मेकिंग इंटेलिजेंट चॉइसेस एंड एडजस्टमेंट। यानी कि गाइडेंस क्या है? एक तरीके की असिस्टेंस है, एक तरीके की हेल्प है, एक तरीके का डायरेक्शन है जो कि किसी भी इंडिविजुअल को दिया जाता है ताकि वो कुछ अच्छी चॉइस कर सके एंड प्रॉपरली एडजस्ट हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक छोटा बच्चा है, पूरा दिन खेलता रहता है, तो बड़े क्या करेंगे? उसे गाइड करेंगे कि वो खेलने में ही अपना टाइम वेस्ट ना करे, पढ़ाई की तरफ भी ध्यान लगाए। तो हम क्या बता रहे हैं उसे? इंटेलिजेंट चॉइसेस। हालांकि खेल में भी फ्यूचर है आजकल तो, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई भी जरूरी है। इसीलिए बच्चे को पता होना चाहिए कि किस चीज़ को कितना टाइम देना है। तो उसके लिए क्या है? गाइडेंस मिलती है। रूथ स्ट्रॉन्ग कहते हैं, गाइडेंस इज अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एवरी इंडिविजुअल थ्रू हिज ऑन एफर्ट्स टू डिस्कवर एंड डेवलप हिज और हर पोटेंशियलिटीज फॉर द पर्सनल हैप्पीनेस एंड सोशल यूजफुलनेस। अब यहाँ पर फिर से वो कैंडल वाली बात आ गई कि काम अपना खुद ही करना है, दूसरे सिर्फ हेल्प कर सकते हैं। यानी अपने ही एफर्ट्स के जरिए अपनी ही एबिलिटीज को पहचाना जाए, अपनी ही स्ट्रेंथ्स को पहचाना जाए, क्या कमियाँ हैं उसे पहचाना जाए, यानी खुद ही अपनी मदद करना अपनी खुशी के लिए और सोशल यूजफुलनेस के लिए। जब इंसान खुद से सेटिस्फाइड है तो ऑब्वियसली वो सोशल एनवायरनमेंट में भी अच्छे तरीके से ही बिहेव करेगा। एडुकेशन कमीशन का क्या कहना है गाइडेंस के बारे में? गाइडेंस शुड बी रिगार्डेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एडुकेशन
एंड नॉट एज अ स्पेशल साइकोलॉजिस्ट और सोशल सर्विस विच इज पेरिफेरल टू एडुकेशनल पर्पजेज। यानी कि गाइडेंस क्या है, मार्गदर्शन क्या है, कि जरूरी हिस्सा है एडुकेशन का। ये कोई ऑप्शन नहीं है कि मन करी तो गाइडेंस दे दी, नहीं मन हुआ तो ना दी। ये जरूरी है और सबको मिलनी चाहिए। इट इज मेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट फॉर दोज हु डेविएट फ्रॉम द नॉर्म इन वन डायरेक्शन और द अदर। ये ऐसा नहीं है कि अगर टीचर को लगता है कि किसी स्पेशल को ही गाइडेंस दी जाए, या कोई बच्चा पिछड़ गया है तो उसे ही गाइडेंस दी जाए, या कोई बच्चा बहुत ज़्यादा गिफ्टेड है तो उसे ही गाइडेंस दी जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। एडुकेशन कमीशन कहती है कि हर बच्चे को गाइडेंस की ज़रूरत है, और इसीलिए गाइडेंस क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है एडुकेशन सिस्टम का। नेक्स्ट बात करेंगे नीड ऑफ गाइडेंस, गाइडेंस की क्या ज़रूरत है। तो एडुकेशनल नीड्स हैं, अगर हम मेनली देखें वोकेशनल नीड्स हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स हैं एंड सोशल नीड्स हैं। एडुकेशनल नीड्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि हम ये टॉपिक कर रहे हैं एडुकेशन के सब्जेक्ट में, तो इसीलिए एडुकेशनल नीड्स पर ज़्यादा फोकस होगा। तो सबसे पहले पॉइंट आती है कि क्या ज़रूरत है एडुकेशनल फील्ड में, टू सॉल्व वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन प्रॉब्लम्स। अब गाइडेंस की क्यों ज़रूरत है, बच्चे क्या करते हैं, कुछ एडमिशन ले लेते हैं लेकिन फिर या तो स्कूल नहीं आएंगे, या फिर अगर अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पा रहे स्कूल में तो स्कूल छोड़ देते हैं, या फिर फेल होते रहते हैं, फिर उस चीज़ से परेशान होकर स्कूल छोड़ देते हैं, या कुछ प्रॉब्लम होती है उनकी पर्सनल प्रॉब्लम या कुछ भी, तो उससे परेशान होकर स्कूल छोड़ देते हैं। तो अगर प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी उन्हें, उन्हें बताया जाएगा कि क्या इम्पोर्टेंस है शिक्षा की, कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए एडुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस तरीके से एडुकेशनल फील्ड में गाइडेंस की ज़रूरत है। फॉर एप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, अब कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम होता है तो ये सिलेक्ट करना कि ऐसे सब्जेक्ट्स हो जो सभी बच्चों की नीड्स एंड नीड्स के हिसाब से हो, इंटरेस्ट के हिसाब से हो, या फिर सभी बच्चे उसमें इंटरेस्ट दिखाएं, जो भी सब्जेक्ट्स उन्हें लगाए गए हैं यानी कि उनकी एज के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि टीचर बच्चे को गाइड करे कि ये सब्जेक्ट अगर आपको लगाया गया है तो इसकी कुछ इम्पॉर्टेंस है, और जब बच्चे को उसकी इम्पॉर्टेंस पता चलेगी तो वो ऑब्वियसली उसमें इंटरेस्ट लेगा। फॉर एडजस्टमेंट इन स्कूल, अब फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम स्कूल में आया है तो उसे एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, या फिर मान लीजिए कि कोई गांव से बच्चा आया है शहर में तो उसे भी एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। तो वहाँ पर ज़रूरत होती है कि टीचर बच्चे को गाइड करे कि वो कैसे आसानी से एडजस्ट कर सकता है, और बाकी बच्चों के साथ उसकी दोस्ती करवाने में मदद करे, उसको गाइड करे इस चीज़ में। फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर एडुकेशन, अब बच्चों को नहीं पता होते कि जो वो पढ़ रहे हैं वो आगे जाके कहाँ काम आने वाला है। किसी किसी को पता होता है लेकिन ज़्यादातर को नहीं पता होता है, तो वहाँ पर ज़रूरत होती है टीचर की कि टीचर उन्हें गाइड करे कि इसके बाद वो फर्दर कौन से कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हैं, क्या हायर स्टडीज़ हो सकती हैं, कोई भी कोर्स अगर वो कर रहे हैं किसी भी क्लास में तो उसके बाद क्या हायर स्टडीज़ हो सकती हैं, इसके बारे में बच्चों को गाइड करें। टू प्रोवाइड अवेयरनेस ऑफ वेरियस अपॉर्चुनिटीज़, अब यहाँ पे भी यही आ गया कि स्कोप क्या है एडुकेशन का, ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसा भी नहीं है कि नौकरियों की बहुत ज़्यादा कमी है, प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ही नहीं पता कि कहाँ पर नौकरी है, या फिर उसके लिए आपको क्या एबिलिटीज़ होने की ज़रूरत है, कि क्या एबिलिटीज़ आप में हो, क्या स्ट्रेंथ्स आपकी हो। तो उसके लिए अगर वो पहले से अवेयर रहेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को हम किसी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन, अगर बच्चे बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं या बहुत ज़्यादा कियोस क्रिएट करते हैं क्लास में तो वहाँ पर टीचर उन्हें गाइड करते हैं। टू प्रोवाइड रेमेडियल इंस्ट्रक्शन फॉर टीचिंग लर्निंग, अब कोई बच्चा पिछड़ गया है, बाकी बच्चों के कंपैरिजन में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पर टीचर क्या करेंगे, उस बच्चे को गाइड करेंगे, रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस देंगे। टू कैटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अब हर बच्चा अलग है और टीचर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ध्यान रखे हर बच्चे की क्या ज़रूरत है, किस तरीके से वो बाकियों से अलग है, और उस हिसाब से उसे गाइडेंस दी जाए, उस हिसाब से उसे गाइड किया जाए। नेक्स्ट इज वोकेशनल नीड्स ऑफ गाइडेंस, कि व्यवसायिक क्या ज़रूरतें हैं गाइडेंस की। ऑक्यूपेशनल अवेयरनेस, की किसी भी ऑक्यूपेशन के लिए क्या एबिलिटीज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें पता हो उसके लिए गाइडेंस की ज़रूरत होती है। चेंजेस इन कंडीशन ऑफ इंडस्ट्री एंड लेबर, कैसे डेवलपमेंट लाई जा सकती है, कैसे लेबर्स की कंडीशन सुधारी जा सकती है, क्या उनके राइट्स हैं, क्या उनमें एबिलिटीज होनी चाहिए, उसके लिए वोकेशनल नीड है यानी कि गाइडेंस की नीड है। इंक्रीजिंग नीड फॉर मैन पावर प्लानिंग एंड यूटिलाइजेशन, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से यूज़ हो सके, कैसे किसको क्या काम करना है, ये सारी बातें पता हो उसके लिए भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे पर्सनल नीड्स ऑफ गाइडेंस,
अब पर्सनल एडजस्टमेंट के लिए भी गाइडेंस की जरूरत है। जैसे अगर कोई दूसरे शहर में आता है या दूसरे स्कूल में आता है, तो वहां पर उसको गाइडेंस की जरूरत है ताकि वो एडजस्ट हो पाए। फॉर डेवलपिंग इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस, अब बच्चे में एबिलिटीज आए, पोटेंशियल आए, सेल्फ डिपेंडेंट बने, वो बेटर ह्यूमन बीन बने, इसके लिए जरूरी है कि कोई उसे गाइड करे। फॉर अवॉइडिंग इंटरपर्सनल टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, अब घर में कोई प्रॉब्लम है या कुछ कुछ चीज को लेके टेंशन है, तो उस चीज को भी दूर करने के लिए क्या है, गाइडेंस ली जाती है। किसी बड़े से हम हेल्प ले लेते हैं या अपने फैमिली मेंबर से हेल्प ले लेते हैं, अगर घर की कोई प्रॉब्लम हो, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो टीचर से हेल्प ले लेते हैं, गाइडेंस ले लेते हैं। फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, अच्छे से डेवलपमेंट हो पर्सनैलिटी की, उसके लिए भी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज सोशल नीड्स ऑफ गाइडेंस, कि सोशल लाइफ में गाइडेंस की क्यों जरूरत है। फॉर बेटर फैमिली, अब कैसी फैमिली है इसका हमारी लाइफ पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो फैमिली में सब अच्छे से रहे, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े ना हो, एक पीसफुल एनवायरनमेंट बना रहे, उसके लिए भी गाइडेंस की जरूरत होती है। वहां पे गाइड कौन करता है, घर का कोई बड़ा सदस्य, कि हाँ सबके साथ अच्छे से बिहेव करो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, छोटों को प्यार करो। फॉर कंजर्वेशन एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कि हर कोई अपना जो रोल है वो अच्छे से प्ले करे। फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल वैल्यूज, लॉयल्टी, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, छोटों को प्यार करना, ये सारी बातें कौन सिखाता है, कौन गाइड करता है? पेरेंट्स ही गाइड करते हैं, घर के बड़े ही गाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि छोटे बच्चे जो है वो लड़ाई करते हैं, तो बड़े उन्हें गाइड करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, गंदी बात होती है, लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। तो ये क्या होगी, एक तरीके की गाइडेंस ही तो मिल रही है वहां पर उन्हें। तो इस तरीके से सोशल नीड्स भी हैं गाइडेंस की। गुड सिटीजनशिप एंड लॉयल्टी, एज अ सिटीजन अपनी ड्यूटीज को हर इंसान पहचाने, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पहचाने, तो उसके लिए भी गाइडेंस की जरूरत होती है। नेक्स्ट बात करेंगे स्कोप ऑफ गाइडेंस, कि किस क्षेत्र में गाइडेंस की स्कोप है, कहाँ पर गाइडेंस काम करती है, कहाँ पर गाइडेंस यूजफुल है। तो सबसे पहले आता है एडुकेशनल गाइडेंस। एडुकेशन फील्ड से रिलेटेड गाइडेंस ली जा सकती है, कि करिकुलम कैसा हो, फॉर सिलेक्शन ऑफ बुक्स, को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए कोई वेस्टेज या स्टेग्नेशन ना हो, उसके लिए स्कूल में प्रॉपर एडजस्टमेंट्स हो सके, उसके लिए गाइडेंस ली जा सकती है। यानी कि वही सारे पॉइंट जो हम ऑलरेडी नीड्स में डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि सिलेबस ही इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स ही चलते हैं, जैसे नीड्स, इम्पॉर्टेंस, स्कोप। अब देखा जाए तो इन सब में सिर्फ 19-20 का फर्क है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक साथ ही नहीं दे देते हैं। एंड इनफैक्ट एग्जाम में भी डायरेक्ट 16 मार्क्स पर क्वेश्चन आ जाता है कि नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस के बारे में लिखो, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा बहुत फर्क है जिनमें। तो इसीलिए वही पॉइंट्स थोड़ा सा घुमा के हम स्कोप में लिखेंगे। सो नेक्स्ट इज वोकेशनल गाइडेंस, यानी कि व्यवसाय से रिलेटेड गाइडेंस ली जा सकती है। प्लेसमेंट सर्विसेज के रिलेटेड, असिस्टेंस टू इंडिविजुअल फॉर वोकेशनल एडजस्टमेंट, हेल्प टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ वर्क, टू चूज, प्रिपेयर, एंटर एंड प्रोग्रेस इन ऑक्यूपेशन। यानी कि वोकेशनल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है, उनसे रिलेटेड गाइडेंस ली जा सकती है। नेक्स्ट आती है पर्सनल गाइडेंस। इट इंक्लूड सर्विसेज टू डील विद फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब पर्सनल लाइफ में भी गाइडेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, या वहां पर भी क्यों जरूरत पड़ती है गाइडेंस की? ताकि अगर कोई फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर से गाइडेंस लेते हैं। इमोशनल प्रॉब्लम्स है तो फैमिली मेंबर से ले सकते हैं, दोस्तों से ले सकते हैं। सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती है तब भी फैमिली, फ्रेंड, स्कूल। पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स होती है कि अपनी बात करने में या फिर एडजस्ट करने में या दूसरे की बात समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तब भी गाइडेंस ली जाती है। कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तब भी गाइडेंस ली जाती है। फिर आती है लेजर टाइम गाइडेंस, ताकि जो हमारा टाइम है, जो फ्री टाइम है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, प्रोडक्टिव तरीके से यूटिलाइजेशन हो सके, उसके लिए भी गाइडेंस दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी इंसान खाली रहेगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्टिव करने की सोच सकता है, तो क्योंकि कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो इसीलिए गाइड किया जाता है ताकि हर कोई अपने टाइम को, अपने फ्री टाइम को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करे। नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ स्टेजेस ऑफ लाइफ, कि स्टेजेस ऑफ लाइफ में गाइडेंस की कहाँ जरूरत पड़ती है। सो ह्यूमन बीइंग पासेस थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ सच एज इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड, ओल्ड एज। अब ये क्या है, लाइफ स्टेजेस हैं, और हर फेज की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी खूबियां हैं, अपनी परेशानियां हैं। एवरी फेज ऑफ लाइफ हैज इट्स पेक्यूलियर प्रॉब्लम्स। जैसे हम छोटे होते हैं तब हमें कौन गाइड करता है, हमारे पेरेंट्स गाइड करते हैं कि ऐसे चलना है, हमें चलना ही पेरेंट्स सिखाते हैं।
यानी कि जब हमारा जन्म होता है तब से ही हमें गाइडेंस मिलना शुरू हो जाती है। वो अलग बात है कि एजेंट्स ऑफ गाइडेंस बदलते रहते हैं, कि जो लोग हमें गाइडेंस देते हैं वो बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम। फिर लेकिन सबसे ज्यादा गाइडेंस की जरूरत जब होती है वो है एडोलसेंस एज में एंड एडल्टहुड एज, क्योंकि ऐसा तो स्टैनली ने भी कहा है कि एडोलसेंस क्या है, पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, क्रूशियल पीरियड है इंसान की लाइफ का, क्योंकि उस वक्त बहुत से फिजिकल सोशल इमोशनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से इंसान बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो वहाँ पर उसे गाइडेंस की ज़रूरत होती है, अपने बड़ों के द्वारा गाइडेंस की ज़रूरत, अपने टीचर्स के द्वारा गाइडेंस की ज़रूरत। एडल्टहुड में देखा जाए तो वहाँ पर भी वोकेशनल रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता कि क्या फील्ड चूज करें, कैसे काम करें, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उस एज में भी, उस टाइम पीरियड के दौरान भी हर किसी को गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि सबके लिए गाइडेंस उस वक्त जरूरी होती है। नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो कौन कौन से सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं जिनको गाइडेंस की जरूरत होती है या जो गाइडेंस लेते हैं? फैमिली, टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप अमंग फैमिली मेंबर्स। अब फैमिली में गाइडेंस की जरूरत होती है ताकि हर किसी के बीच में अच्छे रिलेशंस हो। सोशली बैकवर्ड पर्सन जो हैं उनको गाइडेंस की ज़रूरत है कि वो कैसे आगे आ सकते हैं, कैसे, क्या उनके अधिकार हैं, क्या एबिलिटीज उनमें होने चाहिए ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें। उसी तरीके से शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को ज़रूरत होती है गाइडेंस की, इकोनॉमिकली बैकवर्ड पर्सन को ज़रूरत होती है गाइडेंस की, जो डिसेबल पीपल हैं या फिर जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, वो गाइडेंस लेते हैं कि कैसे क्या काम किया जाए। जो वेमेन हैं जो कहीं ना कहीं पिछड़ गई हैं, हालांकि अब तो काफी साथ कंधे से कंधा मिलाकर ही चल रही है, लेकिन फिर भी जो पीछे रह गए हैं उनको गाइडेंस की जरूरत है। ऑर्फन्स को गाइडेंस की जरूरत है ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, अपने ड्रीम्स को अचीव कर सके। तो ये था स्कोप ऑफ गाइडेंस, यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर गाइडेंस काम करती है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर इन गाइडेंस प्रोग्राम, यानी कि गाइडेंस प्रोग्राम में टीचर का क्या रोल है, टीचर क्या फंक्शन प्ले करता है एंड स्कूल क्या फंक्शन प्ले करता है। अब ये आपकी मर्जी है, आप एक साथ भी लिख सकते हैं या फिर स्कूल एंड टीचर के लिए अलग पॉइंट्स भी बना सकते हैं। सो स्कूल के सबसे पहले पॉइंट है टू प्रोवाइड हेल्दी एनवायरनमेंट। अब हेल्दी एनवायरनमेंट हो यानी कि हर बच्चे की नीड का ध्यान रखा जाए, कोई बायसनेस ना हो, जो स्कूल अथॉरिटीज हैं वो हर किसी को इक्वली ट्रीट करें, यानी कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना हो, हर किसी के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड केयर। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कॉम्पिटिशन है तो टीचर ऐसे पर्टिकुलर किसी स्कूल जो है ऐसे पर्टिकुलर किसी बच्चे को चूज करके आगे ना भेजे कि इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन अगर है कि यही बच्चा जाएगा, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, हर किसी को अच्छे से गाइडेंस मिले, केयर मिले, टू प्रोवाइड सुटेबल एकोमोडेशन एंड फैसिलिटीज फॉर गाइडेंस सर्विसेज। अब ये स्कूल की जिम्मेदारी होती है कि प्रॉपर एकोमोडेशन हो, कि किसी हॉल में कहाँ पर गाइडेंस प्रोग्राम लगाया जाएगा या फिर किसी ऑडिटोरियम में कहाँ पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। टू मेक एडुकेट प्रोविजन इन बजट फॉर गाइडेंस प्रोग्राम। अब गाइडेंस प्रोग्राम अगर हम ऑर्गेनाइज करवाते हैं, यानी कि अलग से किसी टीचर को बुलाते हैं, एक्सपर्ट को बुलाते हैं या काउंसलर्स को बुलाते हैं, तो उसके लिए बजट की ज़रूरत है। तो ये पहले से ही बजट सेट होना चाहिए, क्योंकि अब फ्री में तो कोई टीचर आएगा नहीं, या फिर अगर आते भी हैं तो उनके रहने खाने पीने का इंतजाम तो स्कूल को ही करना पड़ता है ना, तो उसके लिए भी बजट अलग से सेट हो पहले ही। टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। अब स्कूल की जिम्मेदारी बनती है कि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड को एस्टेब्लिश करें और मेंटेन करें, जिससे बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में पता चले, क्या लेवल लेवल है बच्चों का, क्या एबिलिटीज हैं उसके बारे में पता चले, क्या इंडिविजुअल नीड्स हैं इसके बारे में पता चले। तो ये सारी जिम्मेदारियां स्कूल की होती हैं। इसके अलावा और क्या रोल होता है स्कूल का? टू सेंड टीचर्स फॉर इन सर्विस ट्रेनिंग। अब टीचर्स भी तो तभी गाइड कर पाएंगे ना जब उनको खुद को कुछ पता होगा कि किस तरीके से गाइड किया जाता है। अब कोई कितना भी अच्छा टीचर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं किसी फील्ड में वो थोड़े वीक हो सकते हैं, या फिर उन्हें भी पहले कहीं से गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम हो। टू अरेंज होल टाइम और पार्ट टाइम काउंसलर। अब जो भी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूल्स होते हैं वहाँ पर हमेशा एक ना एक काउंसलर जरूर होते हैं, ताकि अगर किसी बच्चे की स्पेशल नीड है या उसको अटेंशन की ज़रूरत है तो उसे काउंसिल कर सके, उसको सही दिशा निर्देश दे सके। तो ये भी स्कूल की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस मिले, उसके लिए स्कूल में एक काउंसलर हो। टू इवेल्युएट द गाइडेंस प्रोग्राम इन ऑर्डर टू चेक इट्स इफेक्टिवनेस एंड इवॉल्व मेजर्स टू स्ट्रेंथन इट फर्दर। अब स्कूल की और क्या जिम्मेदारी बनती है कि जैसे मान लीजिए कि कोई गाइडेंस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है तो वो कितना इफेक्टिव रहा है, किस तरीके से उसे और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है, ये
फॉर एग्जाम्पल कुछ हायर अथॉरिटीज या सीनियर टीचर्स कहीं क्लास में जाते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि वो आगे क्या करना चाहते हैं पढ़ाई के बाद, तो उन्हें पता ही नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि बच्चों को वोकेशनल गाइडेंस की ज़रूरत है, तो उसके लिए एक प्रोग्राम होना चाहिए, गाइडेंस प्रोग्राम। तो फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कि वो वोकेशनल गाइडेंस प्रोग्राम रखवाते हैं, अब क्या करना, ये स्कूल की ही जिम्मेदारी होगी ये चेक करना कि वो कितना इफेक्टिव रहा है। फिर उसके बाद फिर से बच्चों से पूछा जाता है कि वो क्या ऑक्यूपेशन चूज करेंगे। वोकेशनल गाइडेंस प्रोग्राम में उन्हें बताया गया कि क्या वोकेशन हो सकते हैं, क्या एबिलिटीज आपकी चाहिए, किस तरीके से आपको काम करना पड़ता है। और फिर अगर उस प्रोग्राम के बाद 80% बच्चे ये बता पा रहे हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो इससे क्या है, ये पता चलता है कि जो वो गाइडेंस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जब हम उसे इवेल्युएट करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कितना बेहतर रहा है। अगर 80% बच्चे अपना जवाब देने में सक्षम हो पा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा रहा है। तो ये सब करना, उसे इवेल्युएट करना गाइडेंस प्रोग्राम को, ये भी स्कूल की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ टीचर। सो अकॉर्डिंग टू ऑथर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाइडेंस सर्विसेज जैरन एंड रिखॉन, फॉलोइंग आर द गाइडेंस फंक्शंस ऑफ स्कूल टीचर। तो क्या फंक्शंस है? द स्कूल टीचर मस्ट नो अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स दैट गाइड ह्यूमन बिहेवियर। अब टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टीचर ज्यादातर बच्चों के साथ रह रहे हैं, उन्हें पता है कि हर बच्चे की क्या नीड है, किस तरीके से बच्चे काम करते हैं, तो उन्हें आना चाहिए कि वो बच्चे को बेसिक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बता सके कि किस तरीके से बिहेव करना है, बेसिक सिद्धांत उन्हें पता हो ताकि वो उन्हें गाइड कर सके। और टू गाइड स्टूडेंट्स अबाउट वोकेशन कि किस वोकेशन में वो जा सकते हैं, किस फील्ड की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ों के बारे में गाइड करना। टू एनालाइज स्टूडेंट्स एटीट्यूड एंड फीलिंग्स टूवर्ड्स अदर्स कि कैसे बच्चे एक दूसरे के साथ बिहेव करें, कोऑपरेटिव हैं, कोलाबोरेट होकर काम कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, या फिर जेलस फील कर रहे हैं एक दूसरे से, अनकाइंड हैं, क्रूअल हैं एक दूसरे के लिए। टू डेवलप स्पेशल इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। अब फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, वो बहुत अच्छी ड्रॉइंग करता है, लेकिन उसे नहीं पता कि इसमें वो आगे जाकर बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। वो वैसे ही कभी कभार ड्रॉइंग बनाता है और उससे अच्छी बन जाती है, उसे तो यही लगता है, लेकिन वहां पर टीचर का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि वो उन्हें, या फिर इस फील्ड में तुम और अच्छा कर सकते हो, तो वहां पर टीचर क्या करेंगे, गाइड करेंगे ताकि बच्चे का जो हो इंटरेस्ट डेवलप हो सके। टू पार्टिसिपेट इन वर्कशॉप सेमिनार्स एंड केस कॉन्फ्रेंसेस ताकि टीचर को भी बच्चों की अच्छे से समझ में आए, क्योंकि अब टीचर को भी हेल्प की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि हर टीचर को सब कुछ ही पता होता है, इसीलिए टीचर्स के लिए वर्कशॉप सेमिनार्स किए जाते हैं ताकि टीचर्स को भी गाइड किया जा सके। तो जरूरी है कि टीचर्स उन वर्कशॉप्स उन सेमिनार्स को अटेंड करें और जो भी नॉलेज वहां पर दी जाती है उन्हें अपने स्कूल में इंप्लीमेंट करें। नेक्स्ट इज द स्कूल टीचर मस्ट कोऑपरेट इन द डिलीवरी एंड इवेल्युएशन ऑफ गाइडेंस सर्विसेज। अब अगर कुछ गाइडेंस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया गया है, बाहर से कुछ लोग आए हैं, एक्सपर्ट्स आए हैं फील्ड रिलेटेड, या फिर काउंसलर्स आए हैं, तो टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि वो कॉपरेट करें, क्योंकि टीचर को पता है कि बच्चे की क्या एबिलिटीज है, कौन से बच्चे हैं जिनके कुछ स्पेशल नीड्स हैं, तो जरूरी है कि टीचर उनके साथ कॉपरेट करे। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो मैंशन द फॉलोइंग ड्यूटीज ऑफ टीचर इन द गाइडेंस प्रोग्राम इन इट्स मैनुअल ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। आप चाहें तो इन सारे पॉइंट्स को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर अलग से लिखेंगे तो एक इफेक्ट आता है। सो टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, क्या बोला है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कि टीचर का क्या रोल है? टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। अब क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड भले ही स्कूल लेवल पर बन रहा है, लेकिन उसके लिए जानकारी कौन देगा? टीचर्स ही देंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना टीचर की जिम्मेदारी है। टू प्रोवाइड असिस्टेंस इन मॉरल डेवलपमेंट, बच्चे में नैतिक मूल्य आए, नैतिक विकास हो, बच्चे का क्या सही है क्या गलत है उसे इस चीज का फर्क पता हो, उसके लिए टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टू डेवलप इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, जो बात हमने पहले करी कि बच्चे को गाइडेंस मिले, बच्चे को हेल्प किया जाए रिकॉग्नाइज करने में कि क्या उसके इंटरेस्ट हैं और कैसे उस फील्ड में वो और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सो इन सारी बातों के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि गाइडेंस क्या है, एक तरीके की असिस्टेंस है, हेल्प है जो कि हर इंडिविजुअल को दी जाती है जो उस फील्ड में मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, ताकि वो जो इंडिविजुअल है वो अपनी स्ट्रेंथ्स अपनी वीकनेस अपनी एबिलिटीज के बारे में जान सके, और अगर उसे कोई प्रॉब्लम अभी है या फ्यूचर में जो भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है उससे वो इजीली डील कर पाए, और अगर वो ये सारा कुछ करने में कामयाब हो जाता है तो वो आसानी से एक सक्सेसफुल पर्सनल एंड सोशल लाइफ जी सकता है। क्योंकि जब हम इंडिविजुअल लेवल पे हैप्पी होंगे सक्सेसफुल होंगे, तभी हम देश के निर्माण में या सोशल लाइफ में अपना योगदान दे सकते हैं, यानी कि सोसाइटी के निर्माण में हेल्प कर सकते हैं, एक बेटर सोशल लाइफ हो सकती है हमारी।
तो चलिए अब फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं टॉपिक को। सबसे पहले तो हम गाइडेंस के मीनिंग के बारे में बताएंगे कि गाइडेंस क्या है। असिस्टेंस है, किसी को रास्ता दिखाना, किसी को डायरेक्ट करना है। एक कैंडल की तरह काम करती है गाइडेंस। डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, एक दो एजे जॉन्स की बात करी हमने, रुथ स्ट्रॉन्ग की, और एडुकेशन कमीशन की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि गाइडेंस क्या है। इंटीग्रल पार्ट है एडुकेशन का, हर बच्चे को गाइड किया जाना चाहिए। फिर हमने बात करी नीड ऑफ गाइडेंस की, कहाँ जरूरत है। एडुकेशनल नीड्स हैं, वोकेशनल नीड्स हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स हैं एंड सोशल नीड्स हैं। फिर हमने बात करी स्कोप ऑफ गाइडेंस के बारे में कि कौन से क्षेत्र हैं गाइडेंस के। सो एडुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस एंड लेजर टाइम गाइडेंस के बारे में हमने बात करी। फिर इन टर्म्स ऑफ स्टेजेस ऑफ लाइफ गाइडेंस की कहाँ पे जरूरत है, तो सबसे ज्यादा एडोल्सिन एज एंड एडल्टहुड में जरूरत है। फिर उसके बाद इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हमने बात करी, जिसमें हमने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इकोनॉमिकली बैकवर्ड पर्सन, इन सब के बारे में बात करी। फिर देन लास्ट टॉपिक था रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर इन गाइडेंस प्रोग्राम, की स्कूल का क्या रोल है, हेल्दी इन्वायरमेंट हो, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, गाइडेंस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाए, प्रॉपर बजट में यू नो प्रोविजन हो, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड को मेंटेन करना, काउंसलर्स आए स्कूल में, गाइडेंस प्रोग्राम को इवेल्युएट करना। फिर उसके बाद हमने बात करी कि टीचर का क्या रोल है, कि बच्चे को वोकेशन के बारे में गाइड करे, वर्कशॉप सेमिनार्स अटेंड करे, ताकि बच्चों के बारे में और बेहतर तरीके से वो जान पाए, बच्चों की पर्सनालिटी को डेवलप करने में मदद करें, बच्चों के अंदर मॉरल सेंस लाएं। तो इस तरीके से गाइडेंस क्या है, हेल्प करती है इंसान को एक सक्सेसफुल पर्सनल एंड सोशल लाइफ जीने के लिए। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। फिर भी कहीं पर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज।